हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी प्रिपरेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन्हीं सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेट नंबर 8 है। अभी तक का जो भी सेट नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में हम लोग 10 प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं व्याख्या के साथ में, तो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया गया है कि प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने दिया था। ये प्रश्न 2006 में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बलबन ने दिया था। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, नवरोज का प्रवर्तन बलबन के द्वारा दिया गया था। बलबन ने फारसी परंपराओं को अपनाया था और देखिए उसने दरबार में सिजदा और फायोबोस प्रथा का प्रारंभ किया था और अपना संबंध फिरदौसी के जो शाहनामा में उसमें, यानी अफरा सियाब, उसमें इसने अपने आप को जोड़ लिया था। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। दिया गया कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ये भी प्रश्न 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे अल्तमस या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या नसीरुद्दीन या बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अल्तमस की बेटी थी। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वंश की शासिका थी, तो गुलाम वंश की। और उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, ये भी पूछा जा सकता है। और वो इल्तुतमिश की लड़की थी, यानी पुत्री थी। और रजिया सुल्तान जो, यानी पर्दा प्रथा को त्याग कर और पुरुषों की तरह दरबार में जाया करती थी, जो यानी वस्त्र पहनती थी, चोगा और कुल्हा को पहनकर दरबार में जाया करती थी। और इन्होंने, आपको बता दें, 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली संतलत में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया गया कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, यानी नूरजहां, रजिया सुल्तान या रानी रुद्रमा देवी या रानी दीदा। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान थी। अभी हम लोग इनके बारे में डिस्कस किए हैं पिछले वाले प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। दिया गया कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, कहाँ के थे, मंगोल, अफगान या तुर्क या एक जाट कबीला के। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी तुर्क के थे। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, खिलजी तुर्क, यानी मूल रूप से तुर्क के ही थे, लेकिन अफगानिस्तान में बहुत दिन रहे और उसी वहीं के वो परंपराओं को अपना लिया था, रीति रिवाज को। बहुत दिन इन्होंने अफगानिस्तान में अपना समय बिताया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के सैनिक के रूप में भारत आए थे। और जातीय दृष्टि से देखा जाए तो खिलजी जो थे वो तुर्क के ही थे। प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पे देखिए, इसके बारे में, खिलजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इससे जानकारी और दिया गया, खिलजी वंश के जो भी शासक रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1290 से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह, उसके बाद खिलजी वंश का समाप्त हो गया। और यहाँ पे इन लोगों ने शासन किया था 30 वर्ष तक लगभग में किया था शासन। देखिए, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को या बारबक को या नानक को। तो इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ये किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह विक्षिप्ती था या वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था इसलिए, या उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया इसलिए, या उसने चीन के साथ युद्ध किया इसलिए। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी वह व्यवहारिक नेता नहीं होने के कारण, यानी राजनेता नहीं होने के कारण असफल व्यक्ति माना जाता है। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को सफल व्यक्ति यानी असफल व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि जो प्रमुख कारण था वो व्यवहारिक राजनेता नहीं होने के कारण। वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अपने अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ। इसके बारे में देखिए, तुगलक वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, तुगलक वंश का यहाँ पे शुरुआत होता है प्रथम, यानी ग्यासुद्दीन तुगलक से लेकर, और यहाँ पे आगे भी देखते हैं, और यहाँ तक यानी अंतिम में, यानी तुगलक वंश का समापन हो जाता है 1414 ईस्वी में। और लगभग यानी 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, और ये दिल्ली संतनत में सबसे अधिक वर्ष यानी शासन करने वाला जो कोई वंश था वो तुगलक वंश ही था। देखिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया हुआ था, मोरक्को, फारस,
तुर्की या मध्य एशिया से, तो सात का राइट आंसर यानी मोरक्को से आया हुआ था। देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो इब्ने बतूता तो मोरक्को का निवासी था, विभिन्न देशों का ये यात्रा करता था। उसके बाद ये यानी 1333 ईस्वी में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब आया था, तो 1333 में, और किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उसके बाद उसको यानी दिल्ली का काजी बनाया गया और 1342 ईस्वी में इसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। और जो रेहला नामक ग्रंथ है उसने अपने यानी इसकी रचना की, जो भी इसने यात्राएं की थी उसके बारे में इसमें बताया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, देखते हैं दिया गया कि इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। प्रश्न संख्या 9, देखते हैं दिया किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये प्रश्न दो बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में एसएससी के। तो देखिए खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोधी वंश। तो हम लोग पिछले वाले प्रश्न में भी डिस्कस किए थे, तो इसका राइट आंसर हो गया यानी तुगलक वंश ही था, जो सबसे अधिक यानी 94 वर्ष लगभग यानी दिल्ली संतुलत पे अपना कब्जा जमाया हुआ था, शासन किया था। इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दास वंश यहाँ से यानी 1206 से 1290 ईस्वी यानी 84 वर्ष तक शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष। तुगलक वंश यहाँ पे देख सकते हैं 1320 से 1414 ईस्वी यानी 94 वर्ष किया था। सैयद वंश यहाँ पे 1451 यानी 37 वर्ष। उसके बाद लोधी वंश अंतिम यानी दिल्ली संतुलत का वंश था, जो यानी मात्र 75 वर्ष ही शासन किया था। उसके बाद मुगल वंश का यानी उद्भव हुआ। प्रश्न संख्या 10, देखते हैं दिया गया कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो गुप्त वंश, खिलजी यानी खिलजी वंश या मुगल वंश या सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सैयद वंश आता है। हम लोग अभी पिछले वाले प्रश्न में डिस्कस भी किए थे। और देखिए दिल्ली संतुलत पर शासन करने वाला ये चौथा जो राजवंश था वो सैयद वंश ही था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसने 1451 ईस्वी तक शासन किया था, और इन्होंने तुगलक वंश के बाद अपना यानी राजवंश की स्थापना किया था। तो ये थे 10 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।